रजौरी में शहीद हुए कैप्टन शुभम गुप्ता को राज्य सरकार ने 50 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की थी। शुक्रवार को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉ. जीएस धर्मेश शहीद कैप्टन की मां और पिता को 50 लाख रुपए का चेक सौंपने पहुंचे। चेक देने के दौरान फोटो खिंचाने पर शुभम की बिलखती हुई माँ ने मंत्री से कहा कि मेरे लिए प्रदर्शनी मत लगाओ, मेरे बेटे शुभम को बुला दो। माँ के ये शब्द सुनकर मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी निशब्द रह गए। उच्च शिक्षा मंत्री अपने साथ कैमरामैन और मीडिया को लेकर पहुंचे थे। बेटे के गम में डूबी मां को खड़ा कराकर उन्होंने फोटो सेशन कराया। कश्मीर के रजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए आगरा के लाल शुभम गुप्ता ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनका पार्थिव शरीर खेरिया एयरफोर्स स्टेशन पर अपराह 3:30 बजे पहुँचा, जहाँ सेना के फूलों से सजाए गए ट्रक में उनके पार्थिव शरीर को ताज नगरी फेज 1 प्रतीक एनक्लेव स्थित उनके घर तक लाया गया। यहाँ 2 दिन से बेटे का इंतजार कर रहे पिता डीजीसी बसंत गुप्ता ट्रक देखते ही बिलक बिलक कर रोने लगे। प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने यहीं पर शहीद को अंतिम प्रणाम किया। हजारों लोगों की भीड़ शहीद के सम्मान में नारे लगाते हुए यहाँ से शुभम के पैतृक गाँव कुआखेड़ा पहुंची, जहाँ रात में उनका अंतिम संस्कार किया गया।